हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ओए फूड कॉर्नर। आज की रेसिपी बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली है, क्योंकि आज जो हम रेसिपी बनाने जा रहे हैं ये दही बल्ले की रेसिपी है। दही बल्ले अलग अलग टाइप के होते हैं और उन्हीं में से आज जो हम बनाएंगे वो अंगूरी दही बल्ला बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अंगूरी दही बल्ला बनाना। सबसे पहले आपको धुली उड़द दाल लेना है, उसको कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए आपको पानी में भिगो देना है। जब दाल 4 से 5 घंटा अच्छे से फूल जाती है तो उसको अच्छे से धुलाई करना है, जो उसमें दाल में गंदगी होती है वो निकल जाएगी, आपकी जो दाल है एक साफ सुथरा रह जाएगी। तो इसको 2 से 3 बार अच्छे से धुलाई करना है। दाल को धुलाई करने के बाद में मैं दाल को एक दूसरे बर्तन में निकाल लूंगा। आप चाहें तो किसी स्ट्रेनर में भी निकाल सकते हैं, यहाँ मैं सिर्फ दाल दाल को निकाल लेता हूँ और पानी को अलग कर लेता हूँ। दाल को निकालने के बाद अब मैं इसको मिक्सी के जार में पीसूंगा। आपको इसको अच्छे से पीसना है जिससे हमारी दाल अच्छे से पिस जाना चाहिए, एकदम क्रीमी आपका टाइप में इसे पीसना है, दरदरा नहीं पीसना है, एकदम पेस्ट आपको बना देना है इसको। तो यहाँ मैंने दाल को मिक्सी के जार में डाल दिया है, उसको इसको मैंने पीस लिया है। पीसने के बाद में जो पीसी हुई दाल है उसको मैं एक बर्तन में निकालूंगा। आपको हल्का सा पानी डाल के पीस लेना है और पीसने के बाद में जो हमारी दाल पीसी हुई है उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हींग। नमक और हींग डालने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, जैसे हमारा जो नमक है और जो हींग है हर जगह मिल जाना चाहिए दाल के साथ में। आप दाल को जितना ज़्यादा फेंटेंगे आपके दही बल्ले उतने ही सॉफ्ट बनेंगे। कि हाँ, मैंने अच्छे से इसको फेंट दिया है। जब ये अच्छे से फिट जाएगा तो ये आपके हाथ से ऑटोमेटिक छूटना शुरू हो जाएगा। उसके बाद मैं तेल को मीडियम गर्म कर लिया है और जिस तरह से पकौड़े फ्राई करते हैं छोटे छोटे आपको इसको फ्राई करना है, क्योंकि हमारे अंगूरी दही बल्ले हैं तो आपको इसको छोटा छोटा फ्राई करना है। हाई फ्लेम में आपको फ्राई नहीं करना है, आप कोशिश करें इसको मीडियम हीट या स्लो हीट में इसको आप फ्राई करें, जिससे हमारा जो दही बल्ले का कलर है वो वाइट बना रहेगा और अच्छे से पक जाएंगे। बहुत से लोग इसमें मीठा सोडा डालते हैं, बेकिंग पाउडर, कोई ज़रूरत नहीं डालने की। आप अच्छे से पीस लीजिए और अच्छे से फेंट लीजिए, आपके सॉफ्ट दही बल्ले बन जाएंगे। ये देखिए मैंने फर्स्ट फ्राई कर लिया है फर्स्ट टाइम, इसके बाद मैं दोबारा इसको और फ्राई करूँगा, थोड़े से और बच्चे हैं जो है। आपको छोटे छोटे साइज में इसको फ्राई करना है, जिस तरह से पकौड़े होते हैं उस तरह से इसको फ्राई करना है। क्योंकि इसका नाम अंगूरी दही बल्ले है, इसका साइज जो है छोटा छोटा रहेगा। या मैंने दोबारा फिर डाल दिए हैं और इसको धीमी आंच पे फ्राई कर रहा हूँ। धीमी आंच में फ्राई करने से अच्छे से पक जाते हैं और कलर हमारा वाइट बना रहता है। देखिए हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इसको एक हल्के से गुनगुने पानी में डाल के छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं एक दूसरा बर्तन लूंगा
और उसमें डालूंगा दही। दही में डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर डालें। अब मैं डालूंगा जीरा पाउडर, जीरा पाउडर डालने के बाद में अब मैं डालूंगा थोड़ी सी इसमें चीनी। अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। जैसे क्या है, आप किसी बीटर से भी इसे मिक्स कर सकते हैं, जिसमें दही की गांठें नहीं रहना चाहिए। अच्छे से एक क्रीमी दही हमारा बन के तैयार होना चाहिए। तो यहाँ मैंने बीटर की सहायता से इसको अच्छे से फेंट लिया है, क्योंकि मैंने मुझे थोड़ा सा इसमें नमक कम लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा नमक और इसमें डाल देता हूँ, क्योंकि मैंने थोड़ा दही बढ़ा दिया है, तो नमक थोड़ा सा मुझे और डालना पड़ेगा। आपको हल्का ही नमक रखना है, क्योंकि दही बल्ले में भी हमारा हल्का सा नमक है। और उसके बाद जो मैंने दही बल्ले पानी में डाल के छोड़े थे, उसको निचोड़ देना हल्के हल्के हाथों से, ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाना है, नहीं तो आपके जो शेप है वो ख़राब हो जाएगा। हल्के हाथों से निचोड़ना, जिससे इसका जो पानी है निकल जाए, और दही बल्ले को एक बर्तन में सेट कर देना है। देखिए यहाँ मैंने जो अंगूरी दही बल्ले हैं उनको एक बर्तन में सेट कर दिया है, और सेट करने बाद में जो मैंने दही फेंट के रखा हुआ उसको ऊपर से डाल देना है। इसको अच्छे से सेट करना है कि दही हमारा हर कोने में अच्छे से फैल जाए, और जो दही बल्ले हैं वो नीचे डूब जाने चाहिए। एक चम्मच की सहायता से इसको आप बराबर कर सकते हैं। अभी मैं ऊपर से थोड़ा सा इसको डेकोरेशन कर देता हूँ। ये मिर्ची से मैं डेकोरेशन कर रहा था, तो मिर्ची मेरे हाथ से पूरी फैल गई कोने में। चलिए कोई बात नहीं, आप कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जो नॉर्मल लाल मिर्च पाउडर थी उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही हल्की हल्की इसको आपको लाइनर देना है, पतली पतली। लाल मिर्च डालने के बाद में अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा जीरा पाउडर। जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर से आप इसको डेकोरेशन कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको अच्छे से डेकोरेशन कर दिया है। अभी हमारे दही बल्ले थोड़े से बचे हुए हैं, तो एक छोटी बाल में और सेट कर लेते हैं। फिर मैंने बड़े डोंगा में दही बल्ला सेट कर दिया है, तो चलिए छोटे बॉल में और दही बल्ले को सेट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे थोड़े से दही बल्ले बचे हुए हैं। तो सेम उसी तरह आपको सबसे पहले दही बल्ले को निचोड़ लेना है, और उसके बाद एक बर्तन में डाल देना है। डालने के बाद में जो दही हमारा फेंटा हुआ है इसको ऊपर से डाल देना है। इसको आप डाल के कम से कम 1 घंटा के लिए छोड़ दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके जो दही बल्ले हैं वो दही को पी लेंगे। तो सेम उसी तरह आपको लाल मिर्च और जो जीरा पाउडर से इसको डेकोरेशन कर देना है। आप इसमें कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, थोड़ा तो देखने में अच्छा लगता है। देखिए इसको मैंने डेकोरेशन कर दिया है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है इसमें खट्टा मीठा, क्योंकि इसमें हल्की सी चीनी पड़ी हुई है, और ये काली मिर्च से जो टेस्ट है बहुत अच्छा लगता है। देखिए हमारे दही बल्ले एकदम सेट हो चुके हैं अच्छे से। आप चाहें तो इसको ऊपर से और पुदीने पत्ते से भी इसको आप डेकोरेट कर सकते हैं। जो पुदीना की लीव्स होती हैं इसके ऊपर रख सकते हैं, जिससे आपको देखने में और भी सुंदर लगेगा, एकदम नेचुरल आपको फीलिंग होगी। इसके ऊपर आप चाहें तो जो खट्टी मीठी इमली की चटनी होती है उसके ऊपर डाल सकते हैं, थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए, आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। सो फ्रेंड,
हमारे अंगूरी दही बल्ले बन के तैयार हो चुके हैं। आप इसका लुत्फ उठाइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए, जिसको आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहें। ज्ञान को बांटिए, अपने तक सीमित मत रखिए। आप सोच रहे होंगे कि ज्ञान को हम कैसे बांटें, तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंजॉय अंगूरी दही बल्ले।